अखिल भारतीय प्राइज मनी आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम में किया गया। 16 से 22 दिसंबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री चेतन चौहान ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके किया। इस मौके पर अपने संबोधन में खेल मंत्री चेतन चौहान ने कहा कि खिलाड़ियों के बेहतरी के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में बंद कोटे को चालू किया गया है, वहीं खिलाड़ियों के लिए पेंशन की भी व्यवस्था बनाई गई है। प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि 8 महीनों में विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, खिलाड़ियों को अच्छे किट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा, पत्रकारों से बात करते हुए खेल मंत्री ने कहा, डॉक्टर आरपी सिंह साहब हमारे बीच, हम इनका स्वागत करते हैं क्षेत्रीय क्रीडांगण गोरखपुर में। अपनी तरफ से खेल निदेशक और साथ में डायरेक्टर उत्तर प्रदेश खेल डॉक्टर आरपी सिंह साहब मौजूद है, जिनका गोरखपुर से गहरा रिश्ता। साथ ही क्रम में ये भारतीय से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय साथी चंदन मंच पर बैठे खेल निदेशक आरपी सिंह जी, फुटबॉल एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, पूर्व मेयर हमारे बीच में आई है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इस कार्यक्रम में आए हुए सभी खिलाड़ी भाइयों, दोनों टीमों के खिलाड़ी और इस टूर्नामेंट में आए हुए सभी भाई और बहनों, मुझे बड़ी खुशी है हर साल की तरह प्राइज मनी फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। और खुशी की बात यह भी है कि गोरखपुर में फुटबॉल का टूर्नामेंट पहली बार हो रहा है। टीमें भाग ले रही है इस टूर्नामेंट में। मैं भी बचपन में फुटबॉल खेलता था। आपको भी ऐसे होगा कि अपने स्कूल के लिए फुटबॉल की टीम में भी मैं था, इंटर स्कूल टूर्नामेंट भी मैं खेला था अपने स्कूल की तरफ से। और फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है। एक अच्छी बात यह हो रही है कि फुटबॉल में रुचि दिन पे दिन बढ़ते चले जा रही है। मैं खास करके जो बच्चे हैं आजकल के, मैं उनसे पूछता हूँ, फुटबॉल में उनको बहुत इंटरेस्ट है। और इस इंटरेस्ट को जगाने के लिए माने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडर 17 का टूर्नामेंट पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट भारत की जमीन पर हुआ, मैं उनको बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश के अंदर फुटबॉल का माहौल बनेगा, फुटबॉल का एटमॉस्फेयर बनेगा। एक योजना भी है कि 2 साल के अंदर
वन मिलियन यानी 10 लाख खिलाड़ी पूरे देश के अंदर तैयार कर रहे हैं। 10 लाख खिलाड़ी तो उसी के अधीन ये टूर्नामेंट हो रहा है और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर भी विभिन्न स्थानों पर टूर्नामेंट कराए जाएंगे। 8 महीना हुआ है सरकार को, माननीय और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री वो भी यहीं से आते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी यहीं से ही आते हैं और उनकी ये लोकसभा है, खेल को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और इतनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर उन्होंने डाल दी है कि आप जो बोलोगे खेल के लिए वो वही माना जाएगा। आपसे बड़ा कोई खिलाड़ी दो तीन चीजें हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी कर दी 8 महीने में उनके नेतृत्व में, यानी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। 25 साल से नौकरियां बंद थी खिलाड़ियों के लिए, 11 विभागों में खिलाड़ियों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए नौकरियां खोल दी गई हैं और क्लास 2 ऑफिसर तक हम लोग नौकरियां देंगे। एक बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने लिया। जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त कर लेंगे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में, ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड कप में, जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है मिलेगा या लक्ष्मण पुरस्कार मिला है, बच्चियों को रानी झांसी पुरस्कार मिला है, क्योंकि अधिकतर हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि खिलाड़ी की दुर्दशा है, दुर्दशा है, वो कुछ और कर रहा है, मेडल बेच रहा है, कुछ कर रहा है। तो इनका जीवन जो है ठीक करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 20,000 रुपये प्रति माह की पेंशन जो है वो पैक कर दी है 20,000 तक, और उससे कम होते थे नहीं, जो जो खिलाड़ी कितना कितना खेला है उसके अनुसार। खेल को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है और खास करके जो ग्रामीण खेल है, भारतीय खेल है, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उनको बढ़ावा दे रही है। मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, ये जो खिलाड़ी यहाँ खेल रहे हैं, जो आए हुए हैं, इनकी क्या परेशानी है, क्या समस्या है, किस दौर से गुजरते हैं, किन किन मुसीबतों का ये सामना करते हैं, इस सारे दौर से मैं गुजरा हुआ हूँ तो सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, अच्छी तरह से, और अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से अपने मंत्रालय की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ जो सुविधा खिलाड़ियों को चाहिए होती है वो मुहैया कराएगी ये सरकार। और हम चाहेंगे कि खेल गांव गांव तक पहुँचे, छोटे छोटे शहरों तक पहुँचे, ये सरकार का प्रयत्न है और बहुत तेजी से काम हो रहा है। हमारे जो स्टेडियम है, स्पोर्ट्स कॉलेज है, स्पोर्ट्स हॉस्टल है, उनकी देखरेख बढ़ाई जा रही है, वहाँ पर भी खेलों को जो है हम लोग कोशिश कर करके अधूरे जो स्टेडियम है जल्दी जल्दी पूरा कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधाएं हैं स्टेडियम्स के अंदर उनको हम और कंसोलिडेट कर रहे हैं, और मजबूत कर रहे हैं जिससे खिलाड़ी आए और खेले। और जो के लिए खेलना चाहते हैं, अपनी फिटनेस के लिए खेलना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जो दिन में नौकरी करते हैं या अपने व्यवसाय में व्यस्त होते हैं, ऐसे जो लोग हैं अपनी फिटनेस के लिए, अपनी तंदुरुस्त के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए भी अगर हमारी सुविधाएं हमारे खिलाड़ियों के बाद यदि सुविधाएं बच जाती हैं, जब हमारे जो नियमित खिलाड़ी है, रजिस्टर्ड खिलाड़ी है, जब वो सब उनकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है, पत्रकार लोग बैठे जरा ठीक से लिखिएगा, आप लोग भूल लीजिए कि जब जो हमारे रजिस्टर्ड खिलाड़ी हैं, जब उनकी ट्रेनिंग कोचिंग पूरी हो जाती है, उसके अलावा जब समय बच जाएगा तो ऐसे लोग जो स्वास्थ्य लाभ के लिए खेलना चाहते हैं, ये सुविधाएं उनको भी उपलब्ध की जाएंगी, थोड़ा सा हम शुल्क बढ़ा कर लेंगे। इस प्रकार की योजना भी चल रही है क्योंकि सरकार चाहती है आम आदमी भी, आम आदमी हमारी बहन है और आम आदमी है वो भी स्वस्थ हो, खिलाड़ियों के साथ साथ वो भी स्वस्थ हो, ये भी सरकार चाहती है कि अगर स्वस्थ लोग होंगे, स्वस्थ उत्तर प्रदेश होगा, अच्छी तरह से वो लोग और काम करेंगे।
मैं फिर से आयोजनकर्ताओं को, विभाग को और इसमें जो जुड़े हुए लोग हैं उन सबको बहुत बहुत मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में बैंक ऑफ इंडिया जिन्होंने स्पॉन्सर किया है ये टूर्नामेंट, उनको भी मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। प्राइज मनी आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता के अवसर पे हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री चेतन चौहान जी, आप सब जानते हैं कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर है। ये प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े खिलाड़ी खेल मंत्री के रूप में हमारे बीच में है, वो भी गोरखपुर में, और गोरखपुर में पहली बार इस प्रतियोगिता हो रही है। तो मैं गोरखपुर वासियों की तरफ से, खेल विभाग की तरफ से माननीय मंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे बीच में कई गोरखपुर के नामी गिरामी पहलवान बहुत ही आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो अब चूंकि ये वर्ष का आखिरी महीना है, तो अभी जनवरी फरवरी मार्च है, तो आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे और भी अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी। माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से मैं बताना चाहूंगा कि पहली बार लगभग 1,85,00,000 रुपए मिले एक्स्ट्रा प्रतियोगिता मद में, तो हमें मिलता था लेकिन ये एक्स्ट्रा मिला 8 महीने में, और हर मंडल में एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुआ 18 और हर जिले में 2 प्रतियोगिता। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये 8 महीने में माननीय मंत्री जी के वजह से जो हुआ प्रशिक्षण शिविर, आप लोग जानते हैं बहुत से ऐसे हमारे माननीय प्रशिक्षक हैं जो 10 माह तक नहीं चल पाता था, तो 3 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा माननीय मंत्री जी ने इस बजट में दिलवाया, जिससे कि ये पूरा इनका मानदेय भी खिलाड़ियों को मिल सकेगा। किट की बहुत बड़ी समस्या थी, आए दिन कहते थे कि किट अच्छी नहीं मिल रही है, तो सीधे 1,000 से 2,500 रुपया माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से ये हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि खिलाड़ी अपना काम करें, क्योंकि माननीय मंत्री जी के समक्ष कोई परेशानी बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ये 3 चीजें ये समाहित किए हुए हैं। खिलाड़ी होता है तो खिलाड़ी या स्वयं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याल प्राप्त है, उसके बाद प्रशासन शो का है, बहुत बड़े बैंक में बहुत बड़े ऑफिसर थे तो इनको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी है। तीसरा होता है संघ खेल संघ में भी आप DDCA में कम से कम कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आपने आयोजन भैया मोबाइल हटा लो, भाई मोबाइल हटा लो। मोबाइल यार हटा लो यार, और थोड़ा फैल जाइए भाई साहब, मोबाइल आपका दिक्कत है यार, वो आगे आ रहे हैं बार बार, अब थोड़ा पीछे भाई, पीछे हो जाओ सारे लोग आ जाए, उनका सामने भाई भैया कैमरा से पीछे करिए आप, ए भैया थोड़ा रुको रुको पीछे खड़ा करा लेते, रुक जाओ ठीक है। अंडर 19 उत्तर प्रदेश की फुटबॉल टीम राष्ट्रीय चैंपियनशिप में विजेता होकर लौट रही है, ये एक हर्ष और ऐतिहासिक हर्ष का विषय है, ऐतिहासिक क्षण है, जो होशियारपुर में 5 आपकी संज्ञान में डालना, होशियारपुर पंजाब में आयोजित 5 तारीख से ये चैंपियनशिप चल रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश खेल छात्रावास के कम से कम 10 बच्चे थे जिन्होंने प्रतिभाग किया राष्ट्रीय चैंपियनशिप में, साथ साथ उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के भी बच्चे उसमें थे, कंबाइंड टीम और मिजोरम जो लास्ट ईयर की रनर्स अप थी उसको पहला मैच उत्तर प्रदेश की टीम ने जीता, दूसरा मैच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जीता। Come on, 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 come on
गोरखपुर में हम लोग जो अभी तक फैसला हुआ है एस्ट्रोटर्फ हॉकी का एस्ट्रोटर्फ जो है वो आदेश दे दिया गया है, वो बन रहा है। साथ में बाहर जो है एक और जगह हमने स्पोर्ट्स कॉलेज के बाहर देखी है, क्रिकेट का ग्राउंड वहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि मुझे बताया गया था कि कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है, तो पूरी वो जो ग्राउंड है एक्सक्लूसिवली हम उसको क्रिकेट का ग्राउंड बनाएंगे। इसके बाद जो रामगढ़ ताल है यहाँ पर, उसमें वाटर स्पोर्ट्स वो उसकी तैयारी हो गई है, धन स्वीकृत हो गया है और कोई एजेंसी है, हालांकि टूरिज्म डिपार्टमेंट उसको बना रहा है, लेकिन यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और खेल को बढ़ावा देने के लिए, और उत्तर प्रदेश में क्योंकि वाटर स्पोर्ट की कोई सुविधा नहीं है तो वहाँ पर ये बनने जा रहा है, तो वाटर स्पोर्ट्स को बहुत भारी एक बढ़ावा यहाँ पर मिलेगा। सर, 10 लाख का एक टारगेट आपने लिया, किस तरह के युवाओं को आप खोज रहे हैं और किस तरह से इसके लिए चल रही हैं चीज़ें? देखिए, इसमें हम लोग सरकार के अलावा जो एनजीओज हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, उनको भी हम लगा रहे हैं। अभी क्रीड़ा भारती नाम की एक संस्था है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमने पूरे उत्तर प्रदेश में हर मंडल पे है फुटबॉल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया था। फिर बीच में हम लोगों ने जो अभी खेल निदेशक बता रहे थे, 1,85,00,000 हमने स्वीकृत करके हर मंडल में हर जिले में हम लोगों ने खेलों का आयोजन किया, उसमें हम लोगों ने फुटबॉल के टूर्नामेंट्स कराए, प्रतियोगिताएँ कराई। तो इसी प्रकार से हम लोग बढ़ावा देते चले जाएंगे और कोशिश हमारी यही है कि उत्तर प्रदेश से भी 10 लाख में से कम 2 लाख खिलाड़ी जो हैं उत्तर प्रदेश से तैयार हो जाएँ।